यहाँ पे देख रहे हैं फ्रूट्स और सब्जियाँ कैसे तरतीब से और कैसे अच्छे तरीके से सजा कर रखी हुई हैं। यहाँ पे गोश्त वाले सेक्शन पे हम आगे वापस, यहाँ पे रेडीमेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस इनको भून के खाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई सुबह के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। और क्या हाल आपका, उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे आप, आपका हमेशा दिन अच्छा गुजरे। हमारी सुबह तो हो गई है काफ़ी देर से, तो मैंने वीडियो भी थोड़ा लेट शुरू की है, पहले थोड़ा बिजी था, अभी फ्री हुआ हूँ। तो अभी जिम जा रहे हैं जी, यहाँ से आज एक मार्केट है लुलु, तो यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा सामान लेना है वहाँ से, उसके बाद एक दो काम हैं और भी, वो भी करना है। तो इसमें भी आपको कोई नई चीज़ें आज नज़र आएंगी, कुछ नई मार्केट दिखाऊंगा मैं आपको, और नई चीज़ें भी आई हुई हैं मार्केट में, वो भी दिखानी है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, वो भी आपको दिखानी है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो कतर के बारे में मालूम जानना चाहते हैं, और काफ़ी सारे लोगों के सवाल होते हैं, उन पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी लिमोज़ीन और इस तरह के सवाल थे, तो उसकी वीडियो आप ख़ुद भी देखें, दूसरों को भी शेयर कर दें। वो ये जो दीवार आप देख रहे हैं जी राइट साइड पर, और वो सामने फ्लैग्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये है बेसिकली यहाँ पर लखविया, जिसको बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस। ये यहाँ पे इन्होंने नई बिल्डिंग बनाई है, मेरी एक पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई है इनकी पुरानी बिल्डिंग कहाँ पे थी, और यहाँ पे ये इनकी नई बिल्डिंग है। तो इस वक्त हम यहाँ से जा रहे हैं लखविया के सामने से, और ये जो सड़क है ये है फरवरी 22, जिसको शुमाल रोड के नाम पर भी जाना जाता है। पहले मैंने आपको वहाँ से दिखाई थी वीडियो में वो बिल्डिंग, और अभी मैं रोड की इस तरफ आ गया हूँ, और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी लोलो में। यहाँ से जो गाड़ियाँ लेफ्ट जा रही हैं, ये जाके मैवर सपा लहमत जो है सिग्नल फ्री रोड एयरपोर्ट तक जाती है, उस पर जा रहा है ये रास्ता। और यहाँ पे मेरे राइट साइड में इस तरफ देखें अगर आप, तो लोलो नज़र आ जाएगा आपको, सामने अगर आप देखें तो रिजदौन मॉल है, उसके साथ गल्फ मॉल है, ये सब मॉल एक लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये लोलू की पार्किंग, हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से यहाँ पे, अभी चलेंगे अंदर, शॉपिंग करनी है, सामान लेना है थोड़ा सा, उसके बाद वापस निकलेंगे। ये सामने लोलू की एंट्रेंस है, और यहाँ पे इतराज़ जो है वो अभी भी चेक करवाना पड़ता है, इतराज़ को ऑन करेंगे और अंदर जाएंगे। सामान ज़्यादा नहीं है, हम छोटी ट्रॉली लेंगे। मैं यहाँ से पाकिस्तानी बीफ लेता रहता हूँ, पाकिस्तानी बीफ देखने 36 रियाल 75 दिरहम। पाकिस्तानी चाहिए 2 किलो दे दो, लेकिन ये जो वाइट वाइट है ना, ये सारा निकालना है उसमें से। पाकिस्तानी चलो जी, गोश्त ये बना रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, हम चल रहे हैं जब तक बाकी सामान लेते हैं। कैबेज लेनी है, ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा सा ही है, और दूध वगैरह लेना है, ये चीज़ें ले लेते हैं। कैबेज लेनी है, यहाँ से प्राइस लगवानी है, यहाँ पे देख रहे हैं फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ कैसे तरतीब से और कैसे अच्छे तरीके से सजा कर रखी हुई हैं। यहाँ से मैंने दूध लेना है, और फ्रेश दूध लेना है, वहाँ पे गया इस तरह। अभी 2-3 चीज़ें रह गई हैं, टोस्ट ब्रेड और चिकन। टोस्ट ब्रेड हमें उधर बेकरी सेक्शन से मिलेगी, और चिकन हमने लेना है उधर जहाँ से मीट लिया है वहाँ पे उस एरिया से मिलेगा। आपने देखा चिकन यहाँ पे ऐसे लगाए जाते हैं, और यहाँ पे गोश्त वाले सेक्शन पे हम आगे वापस, यहाँ पे रेडीमेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस इनको भून के खाओ, बारबेक्यू के हवाले से गोश्त सब कुछ, और हमारा गोश्त रेडी हो चुका है, जस्ट हमने लेना और जाना है। ये था जी हमारा आज का सामान की खरीदारी, और कुछ ख़ास तो नहीं था इस वीडियो में। चलो जब फिर भी आपने देख लिया, आपका शुक्रिया, मेहरबानी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक जो मुझे याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।